कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हार्ट अटैक के तुरंत बाद 46 साल के पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। राज्य में सभी थिएटर बंद किए जा रहे हैं। फैंस को काबू में करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी अस्पताल पहुंचे थे। पुनीत की बेटी वंदिता अमेरिका से आज दोपहर तक भारत पहुंच जाएंगे। पुनीत की मौत का गम फैंस झेल नहीं पा रहे हैं। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हानूर तालुका के मारो गांव में 30 साल के एक शख्स को खबर सुनते ही हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम मुनियप्पा है, जो पेशे से एक किसान था। वहीं बेलगामी के शिंदोली गांव में दूसरे फैंस की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टार के निधन की खबर आने के बाद कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पुनीत को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके तुरंत बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए कांतिरवा स्टेडियम में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में ही राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पुनीत डॉक्टर राजकुमार और पर्वतमा की पांचों संतान में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में पत्नी अश्विनी रेवंत और दो बेटियां हैं। पुनीत राजकुमार के निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। राज्य में सभी थिएटर बंद किए जा चुके हैं। फैंस को काबू में करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी विक्रम अस्पताल पहुंचे थे। एहतियात के तौर पर बेंगलुरु में दो रात के लिए शराब की बिक्री भी रोक दी गई है। आपको बता दें कि कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन के कारण शनिवार को होने वाला सूर्या की फिल्म जय भीम और RRR झलक रिलीज स्थगित कर दी गई है। इतना ही नहीं, उनके बड़े भाई शिवराज कुमार की फिल्म बजरंगी 2 शो भी पूरे कर्नाटक में रद्द कर दिए गए हैं। पुनीत फिलहाल चेतन द्वारा निर्देशित जेम्स की शूटिंग कर रहे थे। एक पूर्ण एक्शन एंटरटेनर के रूप में पहचाने जाने वाले पुनीत ने शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया था। फिल्म में उनके अपोजिट प्रिया आनंद थी। पुनीत को दिव्यत की शूटिंग भी करनी थी। इसे नवंबर या दिसंबर में फ्लोर पर जाना था। यह पवन कुमार के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन था। पुनीत ने संतोष आनंद राम के साथ एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट भी रखा था। दोनों ने राजा कुमारा और युवरत्ना में साथ काम किया है। इसके अलावा पुनीत के पास अपने होम बैनर में 5 फिल्में भी है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किए थे।